मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अहाते सरकार खोलती है और वहां पर व्यक्ति शराब पीता है। शराब पीने के बाद वह जब बाहर निकलता है और अपने वाहन से जाता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। उसका अपराध यह होता है कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। अब सवाल इस बात का है कि वह अहाते में अगर गया है और शराब पी है तो गाड़ी चलाकर ही घर जाएगा ना। लेकिन इससे आगे बढ़कर जीतू पटवारी ने एक और बात कह दी है कि सरकार को तो अब अहातों में ही बिस्तर लगा देना चाहिए ताकि शराब पीने वाला व्यक्ति यानी नशेड़ची वहीं पर सो जाए और सुबह इत्मीनान से अपने घर जाए। यानी जीतू पटवारी की इस बात से अहातों में एक नई शुरुआत हो जाएगी कि अब लॉजिंग वाले अहाते शुरू हो जाएंगे। अहातों में व्यक्ति शराब पिएगा और वहीं लगे हुए बिस्तरों पर वह सो जाएगा और बाहर पुलिस इंतजार करती रहेगी कि अगर कोई नशेड़ची घर जाने के लिए निकला हो तो उसका चालान बना दिया जाए या उसे पकड़कर थाने ले जाया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।